फ्रेंड्स, मायशास किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। और इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। और ये दूध से मैंने तकरीबन आधा कटोरी दूध इस कटोरी में निकाल लिया है। इससे हमें इस कस्टर्ड का घोल बना लेना है। आधी कटोरी चीनी, ये 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है, आप किसी और फ्लेवर का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फ्रूट में मैं ले रही हूँ ये 6 केले, 2 सेब, 1 अनार और आधा ड्रैगन फ्रूट। इससे इस फलों के अलावा कोई और फल भी आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पपीता, चीकू, अंगूर, ये फ्रूट आप इस कस्टर्ड में डाल सकते हैं। इसी के साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे कुछ काजू, कुछ बादाम और ये अजवा डेट्स है। आप चाहे तो कोई और टाइप के खजूर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें किशमिश या कोई और ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें गैस को हाई फ्लेम पर रखकर इस दूध को उबाल लेना है। तब तक के लिए हम इस कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लेते हैं। इसमें इस कटोरी में जो हमने रखा हुआ दूध है वो थोड़ा थोड़ा कर मिलाते हुए इस चम्मच से हिलाकर हमें इस तरीके का घोल बना लेना है। ये दूध में उबाल आ रहा है, अभी हमें इस कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा कर मिलाना है, एक हाथ से इसमें मिलाते जाएंगे और एक हाथ से इसे हिलाते रहना है। बहुत जल्दी ये जो कस्टर्ड है वो नीचे जाकर चिपक जाता है, इसीलिए हमें इसे कंटिन्यूसली हिलाना है और इसमें लम्स भी पड़ जाते हैं। ये देखिए, गैस को हमें लो रखना है और हिलाते रहना है। जब पूरा कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे तो गैस को फास्ट कर देंगे। अभी हमें इस कस्टर्ड को तकरीबन 7-8 मिनट के लिए पका लेना है। हमारा कस्टर्ड अब अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे ये आधी कटोरी चीनी। डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से पक गया है और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कस्टर्ड के लिए। देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही गैस पर छोड़ सकते हैं या फैन के नीचे भी रखकर इसे ठंडा कर सकते हैं। कस्टर्ड पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें फ्रूट्स को ऐड करना है। कस्टर्ड जब तक ठंडा हो रहा है हमें सभी फ्रूट्स को कट कर लेना है। देखिए हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और कितना गाढ़ा टेक्सचर उसको आया हुआ है। अभी हम इसे डालेंगे इस बाउल में। अभी इसमें डालेंगे ये कट किए हुए फ्रूट्स। सभी फ्रूट्स को हमने इसमें अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स कर लिया है। अभी हम इस पे डालेंगे ये कुछ काजू के टुकड़े, ये बादाम के टुकड़े और ये खजूर के टुकड़े और ये कुछ अनार के दाने। देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बनकर रेडी है। इस बाउल को रखेंगे फ्रीज में 2 घंटे के लिए। आपको अगर जल्दी हो तो आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। ये जब ज़्यादा ठंडा होता है तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे। देखिए हमारा कलरफुल और बहुत ही टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बनकर रेडी है। अभी हम इसे आइसक्रीम बाउल में सर्व करेंगे। फ्रूट सलाद को हमने इस आइसक्रीम बाउल में निकाल लिया है। हमारे बच्चे जो है वो आसानी से फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से हम उन्हें फ्रूट खिला सकते हैं। बड़े ही शौक से बच्चे फ्रूट सलाद खाते हैं, तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। इसी के साथ धन्यवाद।